Welcome to CBSE Computer Education. In this video, we will discuss about the class 9th unit 1, that is Introduction to IT and IT Industries. तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको ये सारे टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक को लेके हमको क्या करना है, कवर करेंगे. तो वी विल ट्राई टू डिस्कस इन टू वीडियोस द फॉलोइंग टॉपिक्स. सो लेट अस स्टार्ट. तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन. टुडे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ अवर मॉडर्न सोसाइटी. दिस इज अ डिजिटल एरा in which we use the mobile devices to perform the most of our daily task. It is a difficult to think of any routine task without the using of digital devices. IT information technology has been one of the world's fastest growing economic activity. आज के समय में information and communication technology जो है वो हमारे life का जो है integrated part बन गया है. आज का जो युग है वो डिजिटल युग कहलाता है, डिजिटल ईरा कहलाता है, क्योंकि इसमें जितने भी काम किए जाते हैं वो डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू किए जाते हैं. आईटी दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है. आज अगर किसी भी देश को जो है अगर तरक्की उन्नति या ग्रोथ करना है तो उसके लिए उसे को ITES को अपनाना ही पड़ेगा. अगर वो बिना ITES के थ्रू जो है वो क्या नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएगा. तो इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो अगला टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज फोर बेसिक ऑपरेशंस. तो अब ये चार जो है मुख्य ऑपरेशन या मुख्य कार्य क्या क्या है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन भी बनाता है. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है फोर बेसिक ऑपरेशन में फर्स्ट है क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को बनाना. सेकंड है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना. थर्ड होता है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना. फोर्थ होता है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को आदान प्रदान करना. यानी इसका मतलब होता है अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को सबसे पहले बनाना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा ताकि इंफॉर्मेशन एक दूसरे मिले ना, और स्टोर करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर के लिए हम अगर किसी को इंफॉर्मेशन की फिर जरूरत पड़ती है तो हम इसको क्या करके रख सके, स्टोर करके रख सके. और फोर्थ होता है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज करने का मतलब होता है अगर कोई दूसरा मांगता है उस इंफॉर्मेशन को तो हम क्या कर पाए, आसानी से दे पाए. तो यही होता है फोर में जो है बेसिक ऑपरेशन, और यही जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है क्या है, डेफिनेशन है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज. ITES is also called the web-enabled services or remote services that cover the entire operation. अब information technology अगर किसी business के quality को improve करने में help करता है तो उसको क्या बोला जाएगा, information technology enabled services. अगर आपका business था पहले offline था, अगर उसको आप online में ले जाते हो तो information technology के through आपका business का growth जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ITES को क्या बोला जाता है, उसके साथ साथ जो है वेब इनेबल सर्विसेज भी बोला जाता है और रिमोट सर्विसेज भी बोला जाता है. तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस का जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हो. जैसे आज के समय में जो ITES के थ्रू जो है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जैसे कॉल सेंटर हो गया, पेरोल सर्विसेज हो गए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, रेवेन्यू हो गया, और क्लेम जो प्रोसेसिंग है वो सारे जो है ITES के थ्रू जो है आज के समय में रन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कम समय में सारे काम जो है आसानी से परफॉर्म किए जा सकते हैं. और साथ ही साथ जो है जो इस सर्विस को लेता है यूज़र उसके लिए भी ये जो है सर्विस जो है बहुत ही अच्छा हो गया है. कम समय में वो अपने सारे चीज़ों को क्या कर पाता है, आसानी से ऑपरेट कर पाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ BPO सर्विस. BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. BPO सर्विस मीन्स द परफॉर्मिंग द बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर. BPO आल्सो कम अंडर द IT सर्विस एज IT प्ले ए वेरी यूजफुल रोल इन ऑप्टिमाइज द बिजनेस परफॉर्मेंस. तो BPO जो होता है वो क्या करता है, किसी आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर होता है जो क्या करता है, मेन कंपनी को सपोर्ट करता है उसके बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए. तो इस प्रकार से आज के समय में जो है BPO सर्विस जो है इंडिया के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है डिफरेंट जो है सर्विस प्रोवाइडर को क्या करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो सम ऑफ द BPO सर्विसेज आर एज फॉलो. यानी इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे BPO सर्विस है जो काम कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस, सेकंड है टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विस, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन. नेक्स्ट है यहाँ पे लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग के अलावा जो है मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज है,
डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये सारे जो है बीपीओ सर्विस इंडिया में काम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ये जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। द आईटी बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री हैज बीन प्लोइंग इंडिया ग्रोथ इन द एडिशन टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज द बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आईटी बीपीएम जिसको बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बोला जाता है वो इंडिया के ग्रोथ में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आज के समय में जो इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी में जो है इसका बहुत ही बड़ा रोल है। एक एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि पुराने समय में जो कार का जो प्रोडक्शन होता था फॉरेन में होता था। अब फॉरेन में जब प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन होने के बाद उस कार को इंडिया में लाया जाता था, तो उसका कॉस्ट जो है डबल हो जाता था, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन होगा उसके लाने का ले जाने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता था। अब जो कार का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया में रहने वाले लोगों को काम भी मिल रहा है, और साथ ही साथ जो इंडिया में अगर उस कार को अगर हम परचेस करते हैं तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बीपीएम इंडस्ट्री क्या करता है, वो सेम जो है बीपीओ इंडस्ट्री के साथ ये जो है वो मिल के काम करता है। जिस प्रकार से आउटर कंपनी जो है किसी कंपनी के साथ मिलके जो है वो क्या करता है, इस कंपनी की ग्रोथ में यूज होता है, वैसे ही जो है बीपीएम इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आज जो है लार्ज स्केल में उपयोग किए जा रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो आईटी बीपीएम का जो है तीन स्ट्रक्चर में काम करता है। फर्स्ट होता है मल्टीनेशनल कंपनी, सेकेंड होता है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, और थर्ड होता है ग्लोबल इन हाउस सेंटर। तो फर्स्ट अगर हम देख लें मल्टीनेशनल कंपनी, तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, कोई बाहर का कंपनी जो है इंडिया के अंदर अपना क्या करता है, इन्वेस्ट करता है और इंडिया के अंदर रह के क्या करेगा, उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, तो इंडिया का ग्रोथ जो है उसे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो कॉस्ट कम पड़ेगा और साथ ही साथ इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सेकेंड है यहाँ पे इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। अब इंडियन सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई महाराष्ट्र का कोई कंपनी है वो क्या करता है कि वो जाके हैदराबाद में अपना कंपनी इस्टेब्लिश करता है, तो जो प्रोडक्शन महाराष्ट्र के अंदर हो रहा था वो प्रोडक्शन अब क्या होगा, हैदराबाद के अंतर्गत होगा, यानी मुंबई का जो प्रोडक्शन है वो हैदराबाद के अंदर भी होगा, तो क्या होगा, हैदराबाद के लोगों को भी काम मिलेगा और वहाँ पर भी उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ग्लोबल इन हाउस सेंटर का मतलब होता है कि एक जो मेन कंपनी वो क्या करता है, अपनी कंपनी का जो छोटा ब्रांड जो है किसी और जगह में इस्टेब्लिश करता है, तो जो प्रोडक्शन जो है हेड कंपनी में जो हो रहा था, पेरेंट्स कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा था, वही प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा कि उससे जो क्लाइंट कंपनी में प्रोडक्शन होगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि उससे रिलेटेड जो लोगों को और सारे बहुत सारे काम मिलेगा और इंडिया के ग्रोथ में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये जो है बहुत बड़ा भागीदारी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो यूनिट था उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम आईटी के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आने वाले इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस यूट्यूब के थ्रू मिलते रहेगा। तो अभी के लिए थैंक यू।